देख रहे MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। कुदरत का करिश्मा तूफान आया और चला गया। प्रदेश के महोबा जिले के ग्राम कहरा में बहुत तेजी के साथ तूफान आया, लेकिन वह सिर्फ 5 सेकंड ही रहा। उन 5 सेकंड में बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, लेकिन उसमें कोई जानहानि नहीं हुई, पर कुछ मकानों की छतें उड़ गई, कहीं जगह लाइट के खंभे मोड़ गए, लाइट के तारे भी टूट गई। यह तूफान अचानक आया और 1000 मीटर तक यह तूफान रहा, उसने पेड़ों को भी उखाड़ दिया। ऐसे तूफान आने को वहां के लोग उसे कुदरत का करिश्मा मानते हैं। मैं MNS न्यूज से शिव कुमार शिवहरे। मैंने जो था ग्राम काहरा का दौरा किया, जिसमें मैंने ये पाया कि बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, यहाँ आपदा आई हुई है और इस भारी तूफान के कारण यहाँ के पेड़ उखड़ गए हैं, कई लोगों के मकानों में रख गए हैं, उनका नुकसान हो गया, मकान गिर गए। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो विद्युत विभाग का एक नया काम हुआ है, इसमें गाँव वालों का ये कहना है कि सही ढंग से गिट्टी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, ताकि जो है ये थोड़ी सी उसमें जो है खंभे टूट जाते हैं। और लाइट आने के पहले ही जो है लाइट चालू भी नहीं हो पाई, लेकिन लाइट जो है तो खत्म हो गई। अब पता नहीं जो है कितने दिन पड़ी रहे, क्या हुआ, और बहुत बड़ी हिला हवाली की है और अच्छा खासा घपला किया है। मैं शिव कुमार शिवहरे, MNS न्यूज बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।